बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी इज योर माइक्रोबियल जेनेटिक्स. मैंने आपसे बात की कि जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे आर सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिजम्स, है ना. उसमें बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है, बहुत सिंपल उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. माइक्रोबियल जेनेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना, उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती कैसे है. पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में मैंने जेनेटिक डाइवर्सिटी इंड्यूस करनी है. वी आर ऑल होमोसेपियंस, है ना, ह्यूमन बींग्स हैं एंड वी डिफर फ्रॉम वन अनदर. इफ यू लुक एट द स्टैट्स ऑफ आर मैनकाइंड, अगर आप होमोसेपियंस के डीएनए को कंपेयर करो तो आप देखोगे कि मोर देन 99% ऑफ डीएनए ऑफ ऑल ऑफ अस इज सेम, बट स्टिल वी आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. आप नेचर में ले लो, आप अपेयरेंस में ले लो, आप इंटेलिजेंस में ले लो, हर चीज में वी आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, है ना. एवरी इंडिविजुअल इज अ यू कैन से अ सेपरेट आइडेंटिटी एंड दैट इज क्रेडिटेड टू लेस देन 1% ऑफ दैट टी. सो इन अ पॉपुलेशन अगर आपने जेनेटिक डाइवर्सिटी इंड्यूस करनी है, इंट्रोड्यूस करनी है, देर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस. एक अप्रोच होती है बच्चे आपकी म्यूटेशन एंड द सेकेंड अप्रोच इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. आई होप यू हैव हर्ड दिस टर्म म्यूटेशन. हम कहीं ना कहीं इस टर्म को जरूर यूज करते हैं. आजकल तो बहुत यूज होती है, वायरस म्यूटेट हो जाता है, न्यूअर स्ट्रेन बन जाता है, है ना. म्यूटेशन जब भी हम टर्म यूज करेंगे, वी विल डिस्कस इन डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन एंड एवरीथिंग इन आवर सिलेबस, बट टिल नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि म्यूटेशन जब भी हम बात करते हैं, हमारा कंसर्न होता है, और यू कैन से म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली योर एवोल्यूशन. तो एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट माई कंसर्न विद दिस और मेरी एक्सेप्टेंस विद दिस विल बी लेस एज कम्पेयर टू द अदर ऑप्शन विच आई हैव. म्यूटेशन जब भी होगी वो बहुत रैंडम होगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे. म्यूटेशन कुछ होंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी, कुछ होंगी जो आपके सेल को किल कर देंगी. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. आई हैव रिटन वन वर्ड ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है बच्चे, वी ऑल नो वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो एक पर्टिकुलर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ जीन ऑन आर डीएनए. बट हियर लेट्स अज्यूम दैट दिस इज माय न्यूक्लियोटाइड. ये मेरा डीएनए है जो एक मैसेज दे रहा है विच इज ऑर्गेनाइज्ड, और इस मैसेज को हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है. ऑर्गेनाइज्ड का मतलब वी ऑल कैन आइडेंटिफाई. लेट्स अज्यूम मेरे डीएनए पे कोई म्यूटेशन हुई एंड दिस एस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जेड. ठीक है, मेरा डीएनए इस ऑर्गेनाइज्ड में कन्वर्ट हो गया. एस मेरा जेड से रिप्लेस हो गया. म्यूटेशन हुई एक बड़ी ही रैंडम, बट स्टिल दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो गिविंग द सेम मैसेज. तो वो म्यूटेशन हुई, स्टिल द मैसेज इज बीइंग गिवन बाय दैट सीक्वेंस. तो मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई. ठीक है, हो सकता है कि जिसने इसको रीड करना था वो बेटर रीड कर रहा है एज कम्पेयर टू द अबव मेंशन्ड ऑर्गेनाइज्ड. सो मेरी एवोल्यूशन में उसने हेल्प कर दी. नाउ लेट्स अज्यूम सेम पोजिशन पे मेरी फिर म्यूटेशन हो रही है एंड द म्यूटेशन इज समथिंग लाइक दिस. अब मेरे डीएनए ने जो मैसेज देना था विच इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, सो आउटकम क्या होगी कि मेरा वो जीन जो एक पर्टिकुलर मैसेज ऊपर दे रहा था दैट इज नॉट गिविंग दैट इंफॉर्मेशन नाउ एंड माय सेल विल अल्टीमेटली लैक दैट पर्टिकुलर प्रोटीन. एंड व्हाट्स द यू कैन से रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोटीन टू दैट पर्टिकुलर सेल, तो मेरे सेल की उस तरह से ग्रोथ होगी. दिस इज समथिंग कॉल्ड म्यूटेशन. आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. इट कैन बी बेनिफिशियल टू यू, इट कैन बी वेरी हजार्डस टू यू. ठीक है, सो एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट आई विल नॉट लुक एट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ और दिस पर्टिकुलर टाइप विच कैन इंड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ पॉपुलेशन. तो मैं जाऊंगी अपने दूसरे ऑप्शन के पास विच इज माई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन.
अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आई एम यूजिंग दिस टर्म फ्रॉम येस्टरडे, ये होती क्या है? लेट्स अज्यूम, लुक एट दिस फिगर, आई हैव अ क्रोमोसोम ए वेयर द सीक्वेंस इज स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई. I have a complementary chromosome B in my cell which has a sequence A, B, C, D, E, capital. ठीक है, both these chromosomes are giving some information. एक particular protein के लिए ये कोड कर रहे थे, बस वो बस, but you can say that the other one is a variant to the first one. ठीक है राजे, these two chromosomes will come horizontally to one another. जस्ट रिकलेक्ट द लास्ट डिफरेंस ऑफ यूर प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स. आपके दोनों क्रोमोजोम, दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टली आ गए. दे विल अंडरगो द क्रॉसिंग ओवर. आपका फर्स्ट एंड सेकेंड डीएनए विल क्रॉस ओवर ओवर हियर. ठीक है राजे, एंड दीज आर योर टू रिकॉम्बिनेंट क्रोमोजोम वेयर यू हैव स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी देन कैपिटल डी कैपिटल ई. In the second chromosome, you have capital A, B, C and small d, small b. So, you have a new set of two chromosomes, jo initially wale se different hai. Kaise hui unki recombination? Wo horizontally aaye, they simply crossed over and formed two different recombinants. Ab ye cheez, this left side can be easily controlled as compared to your, sorry, the right side can be easily controlled as compared to your left side. म्यूटेशन को आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे, रिकॉम्बिनेशन को आप कंट्रोल कर पाओगे, एंड बोथ दीज थिंग्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग अ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन. सो एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मेरा कंसर्न जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पे ज़्यादा होगा. अगर मेरी एप्लीकेशन है कि मैंने कुछ सेल ऐसा बनाना है, मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जिसमें दो कंपोनेंट्स का ट्रेट है, बट वी विल ऑल्सो स्टडी म्यूटेशंस बिकॉज these are also inducing genetic diversity. So we have to keep a track on these mutations. Tabhi hum apne organisms ki change ko identify karenge and time to time usme jo bhi changes hai usko identify kar payenge. Theek hai bache? Moving ahead. Now talking about the prokaryotic cells, usme example hai mere bacteria ki. I have three different ways in which जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैन अकर नेचुरली. ये मैं नेचुरल वेज की बात करूंगी. नेचुरली एक बैक्टीरिया में तीन तरीके से आपकी जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकती है. द फर्स्ट वन इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज ट्रांसडक्शन एंड थर्ड इज का. सो टूडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज होती है? The word has come from another word which is transform. है ना, ट्रांसफॉर्म से ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बनी. ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक मेरा सेल था, उसमें कुछ ऐसा चेंज किया जाए कि वो एक न्यूअर ट्रेट उसमें इंड्यूस हो जाए, है ना, इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड, है ना. इन ट्रांसफॉर्मेशन जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर एज नेकेड डीएनए इन द सॉल्यूशन. इस केस में आपके एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में एक जीन ट्रांसफर होगा वाया अनेकेड डीएनए विच इज नॉट कैरिड बाय एनीथिंग और इट इज नॉट कोटेड बाय एनीथिंग. कोई कैरियर नहीं है, डीएनए अलोन आपका एक बैक्टीरियम से सेकेंड में ट्रांसफर होगा एंड इट विल ट्रांसफॉर्म योर सेकेंड बैक्टीरिया. ये कंसेप्ट स्टार्ट कहां से हुआ? देयर वॉज वन साइंटिस्ट कॉल्ड फ्रेडरिच ग्रिफिथ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट हैव अ वेरी कीन लुक इन टू इट. एक साइंटिस्ट था इन 1928 हु वॉज कॉल्ड फ्रेडरिच ग्रिफिथ. ही स्टडीड वन पर्टिकुलर बैक्टीरियम विच इज स्ट्रेप्टोकोकस. He was working on this particular organism. वो Streptococcus pneumoniae पे work कर रहा था. And what he identified that this particular bacterium has two different strains. इसके दो different strains हैं. एक strain है which is called the virulent strain and the second strain is called the non-virulent strain.
विरुलेंट से यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन, जो विरुलेंट स्ट्रेन होगा इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ पर्टिकुलर डिजीज, जो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन होगा इट विल नॉट कॉज एनी डिजीज. ठीक है, ये विरुलेंस कॉज करेगा, ये विरुलेंस नहीं कॉज करेगा. ठीक है बच्चे, जो विरुलेंट स्ट्रेन है इट इज पैथोजेनिक बिकॉज इट इज कॉजिंग अ डिजीज एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एस स्ट्रेन, इसको एस स्ट्रेन भी कहते थे. ठीक है, व्हाई इज द एस स्ट्रेन, बिकॉज इट वॉज अ स्मूथ स्ट्रेन. स्मूथ क्यों था, बिकॉज इट हैज अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल अराउंड इट, उसके सराउंडिंग जो उसको कवर कर रहा था ना बैक्टीरियम को, इट वॉज सराउंडेड बाय अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल. ये स्मूथ लेयर थी इसीलिए इसको एस स्ट्रेन कहते थे. द नॉन विरुलेंट और द नॉन पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनाई, दिस वॉज कॉल्ड द रफ स्ट्रेन बिकॉज इट लैक्स दिस पर्टिकुलर थिंग, इसमें कोई कोटिंग नहीं थी. सो इट वॉज आर स्ट्रेन और द रफ स्ट्रेन. सो टिल नाउ ही was familiar with these two strains, the S strain which was the virulent one, the R strain which was the non-virulent one. He performed one experiment. उसने एक experiment perform किया. उसने चार different groups बना लिए. उन चार different groups में उसने mouse ले लिए. ठीक है, this was his first group, this was his second, third and fourth. चार different groups में उसने अपने mouse को divide कर लिया. इन द फर्स्ट ग्रुप में उसने क्या किया, उसने जो एस स्ट्रेन था, जो आपका विरुलेंट स्ट्रेन था, डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन था, लिविंग एस सेल्स माउस में इंजेक्ट किए. व्हाट ही फाउंड कि उस माउथ की डेथ हो जाती है और उस माउथ की सॉरी माउस की जब उसने सेल्स आइसोलेट करके कल्चर किए, उसे क्या मिला, उसे पेट्री डिश में लिविंग कॉलोनीज ऑफ एस स्ट्रेन मिल गई. ठीक है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो कि मैंने विरुलेंट स्ट्रेन इंजेक्ट किया माउस में, माउस की डेथ हो गई, माउस की उसने जब बायोप्सी की, सेल्स उसमें से निकाले तो उसको लिविंग स्ट्रेन और डिवाइडिंग एस सेल्स मिल गए. ठीक है बच्चे, सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसने लिविंग आर सेल्स इंजेक्ट की. नाउ आर सेल्स आर माई रफ स्ट्रेन विच इज नॉन विरुलेंट विच इज नॉट पैथोजेनिक, इट विल नॉट कॉज एनी डिजीज. उसने इनिशियली हाइपोथेसिस ये बनाया था कि आर स्ट्रेन में इंजेक्ट करूंगा माउस में तो उसमें कोई उसकी डेथ नहीं होगी एंड आई विल बी एबल टू आइसोलेट आर स्ट्रेन फ्रॉम द माउस. वही चीज उसको मिली, माउस वॉज अलाइव एंड ही वॉज एबल टू आइसोलेट द आर सेल्स फ्रॉम दैट माउस जो उसमें से सैंपल ली. थर्ड एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, उसने एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया. एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया, जो डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन था उसको किल करके माउस में इंजेक्ट किया. ठीक है, ही अज्यूम्ड कि मैंने एस स्ट्रेन को किल कर दिया तो माउस की डेथ नहीं होगी एंड आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट एनी कॉलोनीज. द सेम थिंग ही फाउंड ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट, माउस में कोई डेथ नहीं हुई एंड ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी कॉलोनी. द लास्ट एक्सपेरिमेंट विच ही प्लान्ड वॉज समथिंग विच लेड टू the discovery of this phenomenon of genetic recombination. उसने क्या किया, heat killed S strains लिए जो उसने third experiment में किए थे, virulent को kill कर दिया and he combined that heat killed S cells with living R cells. Hypothesis उसका क्या था, R cells ने R cells disease cause नहीं कर सकते which are living. ठीक है, R cells उसने living inject किए थे वो disease cause नहीं कर सकते. एस स्ट्रेन जो डिजीज कॉज कर सकता है उसको उसने हीट किल कर दिया. ही वॉज अज्यूमिंग के माउस को कुछ नहीं होगा एंड आई विल बी एबल टू आइसोलेट ओनली आर सेल्स, बट उससे ऑपोजिट रिजल्ट उसको मिलते हैं. ही इंजेक्टेड दिस कॉम्बिनेशन इन टू माउस एंड ही फाउंड दैट द माउस डाइड बिकॉज ऑफ निमोनिया एंड ही वॉज एबल टू आइसोलेट नॉट ओनली द लिविंग आर सेल बट ऑल्सो द लिविंग एस सेल्स. एट दैट टाइम 1928 की बात है, DNA was not discovered at that time, there was no information of genetic material at that time, so he concluded one thing that something get transferred from my heat killed S cells to my living R cells.
कोई चीज ट्रांसफर हुई फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल से लिविंग आर सेल्स में एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड दीज आर सेल्स इनटू लिविंग एस सेल्स. कोई चीज ट्रांसफर हुई किल्ड सेल में से आर सेल्स में एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड देम इनटू विरुलेंट फॉर्म. दिस वाज द फाइंडिंग ऑफ फ्रेडरिच ग्रिफिथ इन 1928. After that, in 1944, there were three scientists. One was Avery, second was MacLeod, and the third was McCarty. These three scientists, इन्होंने क्या किया? उसी experiment को further conduct करके देखा. Staphylococcus pneumoniae के cell को तीन components में divide किया. फर्स्ट कंपोनेंट उन्होंने प्रोटीन्स ले लिए, उस सेल के सारे प्रोटीन्स. सेकंड उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए एंड थर्ड वाज द रिमेनिंग मटेरियल, जिसमें उस समय उनको नहीं पता था, बट नाउ वी नो कि अगर सेल में से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिमूव कर दोगे तो एंड में यू विल गेट योर जेनेटिक मटीरियल. ठीक है बच्चे, तो उन्होंने क्या किया, स्टेफाइलोकोकस निमोने के सेल्स में से प्रोटीन सेपरेट कर लिए, कार्बोहाइड्रेट सेपरेट कर लिए, जेनेटिक मटेरियल सेपरेट कर लिए. अगेन दे इंजेक्टेड थ्री डिफरेंट माउस विद दीज थ्री थिंग्स अलोंग विद आर स्ट्रेन. फर्स्ट में एस के प्रोटीन्स विद आर स्ट्रेन इंजेक्ट किए, सेकेंड में एस के कार्बोहाइड्रेट्स विद आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया, थर्ड में जो रिमेनिंग जेनेटिक मटेरियल था विद आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया. व्हाट दे आइडेंटिफाइड दैट दिस कॉम्बिनेशन बेसिकली लेड्स टू दैट ट्रांसफॉर्मेशन. जो फ्रेडरिच ने मटेरियल बताया था विच हैज ट्रांसफॉर्म द आर सेल, दैट वॉज नथिंग बट योर जेनेटिक मटीरियल. सो दे कंक्लूडेड बेसिकली दैट द जेनेटिक मटीरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन रफ नॉन विरुलेंट स्ट्रेन इन टू द एस स्ट्रेन. ठीक है बच्चे, सो ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसे है? दीस वॉज द डी एन ए फ्रेगमेंट्स और द जेनेटिक मटीरियल ऑफ योर एस स्ट्रेन. अगर मैं उसी के साथ कोरिलेट करूं, दिस लेट्स अज्यूम इट इज योर आर स्ट्रेन जो लिविंग है. जेनेटिक मटेरियल मेरे एस स्ट्रेन का विल एंटर माय बैक्टीरियम, मेरे बैक्टीरिया में एंटर कर रहा है. दिस इज दिस स्टेप एंड इट इज गिविंग मी दिस पर्टिकुलर स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन वेयर द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द एस फॉर्म इज इंक्लूडेड इन टू योर आर. ठीक है, एंड दिस कॉम्बिनेशन, दिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चे, इट इज, अगर आपने सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, सो इट इज रिक्वायर्ड कि आपके जो दो बैक्टीरियम है जिनके क्रोमोजोम्स एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर कर रहे हैं, दे आर रिलेटेड टू वन एनदर. जितने क्रोमोसोम्स रिलेटेड होंगे, बिकॉज हेयर यू कैन फाइंड आउट दैट अ नेकेड डीएनए इज एंटरिंग द अदर बैक्टीरियम, है ना. बैक्टीरियम की सेल मेम्ब्रेन तभी अलाउ करेगी उस डीएनए को एंटर करने के लिए अगर वो रिलेटेड डीएनए होगा. ठीक है, सो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन योर रिक्वायरमेंट इज कि आपका जो डीएनए, आपके जो दो बैक्टीरिया है जिनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होनी है, दे आर रिलेटेड टू वन अनदर. सेकेंड, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, दैट इज हैपनिंग यूजिंग दिस नेकेड डीएनए. आपके नेकेड डीएनए के साथ वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. दो सेल्स आपस में कंबाइन नहीं करते, एक दूसरे के पास नहीं आते, मीडिया में आपका डीएनए रिलीज होता है एंड द अदर सेल पिक्स अप दैट डीएनए फ्रॉम द मीडियम. और वो डीएनए उस जेनेटिक जो पेरेंट डीएनए है उसके क्रोमोसोम में इंट्रोड्यूस होता है. This is your successful transformation. इस particular bacteria में, because it was not related or there may be some other reasons, जो आपका DNA enter किया था, it get degraded and it will not lead to any transformation. So requirement is that your two bacteria has to be related to one another.